जो लोग हैं अपने अपने घरों के लिए जाने के लिए, जो लोग परेशान थे लखनऊ के लोग, उनके लिए आज बहुत ही खुशखबरी है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। जो लोग नागपाड़ा में रहते हैं, यहाँ से जो भी लखनऊ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट और हमारी सरकार ने एक अच्छी पहल उठाई है और उनके लिए बस की सुविधा की है। जो लोग यहाँ से आज पहली ट्रेन चल रही है लखनऊ के लिए, जो कुर्ला टर्मिनस जिसे बोला जाता है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, नागपाड़ा से वहाँ तक के लिए एक बस का इंतज़ाम किया गया है, BST बसों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं और हमारी जो सरकार के लोग हैं, वो सब मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने BST बस में लेके जाके नागपाड़ा स्टेशन से लेके कुर्ला स्टेशन पे छोड़ा जा रहा है, वहाँ से वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अपने अपने घर जाएंगे। वहाँ का बैनर दो पहले, 9 नंबर वालों को, 5 नंबर वालों को। कितना नंबर है? 6 नंबर का, 6 नंबर यहाँ पर आते, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नबील शेख, आप देख रहे हैं IIN न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं नागपाड़ा के जंक्शन पे, जहाँ से मज़दूरों को बस में, सरकारी बस में बिठा कर कुर्ला टर्मिनल छोड़ा जा रहा है। वहाँ से इनकी ट्रेन इनको उनके जो उनके गांव वगैरह जो भी रहेगा वहाँ पर इनको छोड़ा जाएगा। हमारे साथ में नागपाड़ा के पुलिस इंचार्ज जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। सर, यहाँ पर जो अभी मज़दूरों को छोड़ा बस में बिठा के जो उनको अपने स्टेशनों पे रवाना किया जा रहा है, उसमें आप क्या बोलना चाहोगे सर? जो जिन्होंने एप्लीकेशन किया था अपने गांव जाने के लिए, उन लोगों का जिनका परमिशन आया है, अभी आज लखनऊ जा रही ट्रेन कुर्ला से, तो उनको हम जो लिस्ट आई लिस्ट के हिसाब से भेज रहे हैं उनको अभी इधर से। इसमें लिस्ट कितने लोग का लिस्ट था सर? 1400 लोग का। 1400 लोग का लिस्ट था। तो अभी यहाँ से सर इन लोग को कुर्ला टर्मिनल छोड़ दिया जाएगा, फिर वहाँ से इन लोग कैसा टिकट वगैरह का कुछ इंतजाम है या फिर सरकारी बंदोबस्त है? गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट डिटेल नहीं मालूम, लेकिन गवर्नमेंट ने किया है। जैसा आपने देखा यहाँ पर जो भी मज़दूर थे उन लोग को अपने अपने गांव के लिए रवाना किया जा रहा है, और अच्छी खासी बंदोबस्त के साथ में पुलिस का भी अच्छा साथ है यहाँ पर, और यहाँ से मज़दूरों को अपने अपने गांव रवाना किया जा रहा है। IIN न्यूज़, नबील शेख।